Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 8th of July 2019. और डिस्कशन शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स वॉज सेटअप बाय अलाउद्दीन खिलजी. ए दीवाने बंदगीनी, बी दीवाने मुश्तकराज, सी दीवाने अरीज या फिर डी दीवाने खैरात. सेकेंड क्वेश्चन इज वाइल डिलीवरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज वॉज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या फिर डी सुभाष चंद्र बोस. थर्ड क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विथ अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. पंजाब, असम, बंगाल या फिर बिहार. तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में. हम लोग अपना न्यूज डिस्कशन शुरू करते हैं एंड जो आज की सबसे पहली न्यूज है जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए दैट इज रिलेटेड टू कर्नाटका क्राइसिस. अब कर्नाटका में क्या हुआ है कि 12 कांग्रेस एंड जेडीएस एमएलएज हैव रिजाइन फ्रॉम देयर एमएलएशिप. तो उन्होंने अपने जो एमएलए के पोजीशन थी दे हैव रिजाइन फ्रॉम दैट. अब उसके कारण इंपैक्ट क्या हुआ है क्योंकि कर्नाटका में कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी एंड उसके पास बहुत ज्यादा क्लियर मेजोरिटी नहीं थी. तो कर्नाटका की प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कम अंडर अ सॉर्ट ऑफ इनस्टेबिलिटी. नाउ इट इज नॉट वेरी मच क्लियर कि कर्नाटका की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दे हैव अ क्लियर मेजोरिटी और नॉट. एंड ऐसी सिचुएशन में कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं एचडी कुमारस्वामी ही हैज कॉल्ड फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ सेशन की जो मॉनसून सेशन है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए. अब आगे बढ़ाने का क्या कारण हो सकता है, ऑब्वियसली वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी एंड इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब विधायकों को खरीदना या बेचा जाएगा. ठीक है कि उनको कोशिश की जाएगी कि मिनिस्ट्री या कोई भी ऐसा पद दे करके सेटिस्फाई किया जाए कि वो अपना रेजिग्नेशन वापस ले लें. तो एक तरह से ये डेमोक्रेसी की अंडरमाइनिंग है. ठीक है तो यहां पर ये एक क्रिटिसिज्म है कोएलिशन गवर्नमेंट का. एंड सेकेंड हियर इज अ केस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी. ठीक है कि अब आप मेजोरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को खरीद फरोख्त करके. ठीक है तो ये हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे. इसके अलावा यहां पर जो दूसरा इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज द रोल ऑफ स्पीकर. अब स्पीकर का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी MLAs हैं दे हैव सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन टू द स्पीकर एंड नाउ इट इज अप टू द स्पीकर टू वेदर एक्सेप्ट दोज रेजिग्नेशन और नॉट एक्सेप्ट. एंड नाउ स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ न्यूट्रल रोल कि अगर किसी ने रिजाइन किया है तो यू शुड एक्सेप्ट इट. तो अभी उन्होंने ट्यूजडे तक का टाइम लिया है कि ऑन ट्यूजडे आई विल डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन. यानी आपको सैटरडे को रिजाइन किया गया तो संडे मिल गया, मंडे मिल जाएगा आपको ट्रेड करने के लिए एज वेल एज फॉर ऑफरिंग वेरियस अदर फॉर्म ऑफ ब्राइब्स. ठीक है तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहां पे कर्नाटका के में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है वो उसके बारे में. ठीक है और इसके अलावा इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी एल्स ऑल ओवर पॉलिटिकल न्यूज. नाउ कम टू द पेज नंबर 6. यहां पर एक ट्राइब मेंशनड है कुई ट्राइब्स. ठीक है तो हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि कुई ट्राइब्स आर फ्रॉम द उड़ीसा. ठीक तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर कुई ट्राइब्स के बारे में. ठीक अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए पेज नंबर 7 पे. एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू एथेनॉल ब्लेंडिंग. ठीक है सो यहां पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी उन्होंने शुगर मिल इंडस्ट्री ओनर्स को बोला है कि दे शुड गो फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. अब इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ क्यों जाना चाहिए क्योंकि शुगर केन इंडस्ट्री शुगर मिल जो ओनर्स थे उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं. ठीक है अगर वो इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे विच कुड बी ब्लेंडेड विथ पेट्रोल तो उसकी उनको सही कीमत मिल जाएगी. ठीक है इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से फायदा क्या क्या होगा. तो जो नई बायोफ्यूल पॉलिसी आई है 2018 में इट हैज फिक्स्ड द टारगेट ऑफ अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बाय 2030. तो टारगेट कितना है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2030. अब इसका फायदा क्या होगा क्योंकि इंडिया को जो उसका क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है एंड अगर इथेनॉल का यूज किया जा सकेगा तो क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा. क्रूड ऑयल जब कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो जो हमारा फॉरेन करेंसी इसके ऊपर खर्च होता है वो कम हो जाएगा. तो फॉरेन करेंसी की सेविंग भी होगी, फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे, एट द सेम टाइम जो हमारा इंपोर्ट है वो कम होगा एंड इसके कारण जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी. अब जो नई बायोफ्यूल पॉलिसी है उसके बारे में एक और चीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि अपार्ट फ्रॉम सुगर केन इट हैज ऑल्सो अलाउड डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, रॉटन पोटैटो, कॉर्न एंड सरप्लस फूड ग्रेन्स
to be used for ethanol production. तो पहले क्या होता था कि सिर्फ sugar cane या molasses को ही use किया जा सकता था, but now damaged food grains, rotten potato, corn, surplus food grains could also be used for bioethanol production. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर ethanol blending and ethanol production के बारे में. इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, दैट इज रिलेटेड टू फोर कोर्ट्स डीलिंग विद लेबर लॉस. तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि इट विल सब्स्यूम 44 एग्जिस्टिंग लेबर लॉस इनटू फोर कोर्ट्स. तो ये कोर्ट्स कौन कौन से होंगे? कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर एंड कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ठीक है, अब यहां पर जो कोड ऑन वेजेस बिल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है एंड इसके जरिए क्या रिप्लेस किया जाएगा. सो कोड ऑन वेजेस विल बिल रिप्लेस द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया में क्या है कि अगर मिनिमम वेज भी आप किस तरीके से और किसको कितना मिनिमम वेज दिया जाएगा, अगर सारे के सारे लेबर लॉज उठा करके उसकी डेफिनेशंस देखेंगे तो देयर आर अराउंड 2500 मिनिमम वेजेस. ठीक है, अब इसको एनफोर्स करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड इसके कारण क्या होता है कि किसी को भी मिनिमम वेज मिल रहा है या नहीं ये गवर्नमेंट एंश्योर ही नहीं कर पाती एंड इसके कारण इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है. अब इस एक जो बिल आ रही है सरकार, कोड ऑन मिनिमम वेजेस बिल, तो उसमें क्या किया जाएगा कि मिनिमम वेजेस विल बी लिंक्ड ओनली टू टू फैक्टर्स विच आर स्किल एंड ज्योग्राफिकल एरियाज. अभी क्या होता था कि मिनिमम वेजेस को जो है वो कई तरह से डिफाइन किया जाता था, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड, ज्योग्राफिकल रीजन, नेचर ऑफ वर्क. ठीक है, इन सब के बेसिस पे अब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है बिल में कि दे विल बी लिंक टू ओनली टू फैक्टर्स विच आर स्किल्स एंड ज्योग्राफिकल रीजन्स. इसके अलावा नया एक प्रपोजल दिया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उसके ऊपर कोई भी रेट या जो भी उनको लगता है फिक्स रेट वो तय कर सकते हैं. बट मिनिमम नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज विल बी सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इसके नीचे आप मिनिमम वेजेस को नहीं ले जा सकते हैं. ठीक है, तो ये हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे इन कोर्ट्स के बारे में एंड लेबर लॉज के बारे में. एंड लेबर लॉज रिफॉर्म्स जो है वो इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहने वाले हैं बिकॉज इंडस्ट्रीज ने बहुत ज्यादा सजेस्ट किया है कि लेबर लॉज के कारण जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर लेबर कोर्ट्स के बारे में. नाउ यहां पर गोदावरी रिवर के मेंशनड है एंड देर इज सीन अ फ्लडिंग इन द गोदावरी रिवर. गोदावरी रिवर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसी नदी है, कहाँ से ओरिजिन होता है. सो गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हैविंग अ लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर. इसको जो है वो दक्षिण गंगा भी बोला जाता है एंड इसकी ओरिजिन है डेट इज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट फ्लोस थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश. एंड इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मांजरा. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग गोदावरी रिवर के बारे में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड यहां पर जो न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू कावेरी रिवर एंड कोडागु डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश हुई है उसके कारण कृष्णराज सागर डैम का पानी बढ़ गया एंड कृष्णराज सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर. तो ये सबसे पहला फैक्ट हम लोग ध्यान रखेंगे. इसके अलावा यहां पर जो एक बॉडी मेंशनड है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो इसको जो है सेंटर ने बनाया था फॉर इंप्लीमेंटिंग द वॉटर शेयरिंग अवार्ड ऑफ द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल. ठीक है, उसको उसके जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में किस स्टेट को कितना वाटर अवार्ड किया गया था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया था एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू मीट वंस एवरी 10 days ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ. अब हम लोग देख लेते हैं कि जो वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेटल किया गया था उसने कितना पानी जो है किस स्टेट को दिया था. सो कर्नाटका वॉज गिवन 284 TMC feet, तमिलनाडु वॉज गिवन 404 TMC feet, केरला वॉज गिवन 30 TMC feet एंड पुडुचेरी वॉज गिवन 7 TMC feet. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे कितना पानी किसको दिया गया था एंड कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में. कावेरी रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सो रिमेंबर डेट कावेरी रिवर राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इसकी जो लेंथ है द लेंथ ऑफ कावेरी रिवर इज 760 किलोमीटर एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कावेरी रिवर इज डैट की
इसका जो अपर कैचमेंट एरिया है इट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून एंड द लोअर कैचमेंट एरिया रिसीव्स द रेनफॉल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो इसके कारण से क्या होता है, जो कावेरी में वाटर फ्लक्चुएशन है वो कम होता है। पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉट पेरिनियल रिवर्स एंड इसके एंड समर सीजन में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन कावेरी रिवर क्योंकि साउथ ईस्ट मॉनसून एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दोनों तरफ से उसको पानी मिलता है, सो इट शोज लेसर फ्लक्चुएशंस देन अदर पेनिनसुलर रिवर्स। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, अमरावती, भवानी, हेमवती एंड कबिनी, दे आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कावेरी एंड इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। एंड इसके अलावा एक और फैक्ट जो कावेरी रिवर के बारे में याद रखा जा सकता है, दैट इज इट फॉर्म्स द सेकेंड हाइएस्ट बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज सिवा सामुद्रम। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर कावेरी रिवर के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड यहां पर जो न्यूज है, कानपुर ड्रेन प्लग्ड बट गंगा स्टिल अनफिट फॉर बेथिंग, यहां पर जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू गंगा क्लीनिंग। एंड हिंदू ने एनालिसिस किया एंड उस स्टडी में पाया गया कि इवन आफ्टर 2 years ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कानपुर में गंगा का पानी जो है वो ना नहाने के लिए फिट है एंड ना ही पीने के लिए, ठीक है। तो ये इस स्टडी में पाया गया है। अब यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज मेंशनड है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। इट इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, वो नेशनल क्लीन गंगा के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ इंप्लीमेंटिंग आर्म ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को स्क्रैप करके उसकी जगह जो नेशनल गंगा काउंसिल बनाए गए उसके भी जो स्टेप्स लिए गए हैं या उसने क्या ऑर्डर्स पास किए हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसको दिया गया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। अब इसका जो है वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है उसमें दो बॉडीज हैं, फर्स्ट वन इज गवर्निंग काउंसिल एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव कमिटी। इन दोनों का हेड कौन होता है, बोथ ऑफ देम आर हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब जो है आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का हेड कौन होता है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। सो रिमेंबर कि जो दो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, गवर्निंग काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी, दे बोथ आर हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एंड जो इसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी है उसको पावर दिया गया है कि जो भी 1000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हैं उसको जो अप्रूवल देने का पावर है वो किसके पास है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पास है, ठीक। एंड इसकी जो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। इसके बाद जो यहां पर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये स्टेचुरी बॉडी है तो ऑब्वियसली किसी एक्ट में बना होगा, तो उस एक्ट का क्या नाम है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है किस एक्ट में बना है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। एंड इसका जो बेसिक काम है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को जो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, टेक्निकल गाइडेंस चाहिए होती है, वो प्रोवाइड कराना। दूसरा काम है इसका जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना एंड अगर इसके अलावा उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना। एंड एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में कि इट इज यूजुअली हेडेड बाय अ कैरियर सिविल सर्वेंट एंड अभी जो उसके प्रेजेंट चेयरमैन है वो है एसपी सिंह परिहार। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। इसके बाद हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। गंगा रिवर राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन द उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। एंड यहां पे जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है देन इट इज नोन एज भागीरथी, देन इट कट्स द सेंट्रल एंड लेसर हिमालयज इन द नैरो गॉर्जेस एंड एट देवप्रयाग भागीरथी मीट अलकनंदा, हियर आफ्टर इट इज नोन एज गंगा। तो देवप्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है, ध्यान रखेंगे हम लोग भागीरथी एंड अलकनंदा। एंड गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, उसके बाद गंगा का फ्लो कैसा है, फ्रॉम हरिद्वार इट फ्लोस साउथ देन साउथ ईस्ट एंड देन टू ईस्ट एंड फाइनली इट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज नेमली द भागीरथी एंड हुगली। गंगा की जो टोटल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके अलावा किन किन स्टेट से फ्लो होती है, उत्तराखंड 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर, बिहार
445 किलोमीटर एंड वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक में अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सोन, एंड लेफ्ट बैंक में अगर बात की जाए तो यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। एंड रिमेंबर कि यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कुछ जगह पे घाघरा भी लिखा हुआ है बट एनसीईआरटी जो कि स्टैंडर्ड बुक है वहां पर लिखा हुआ है यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर दो और टर्म्स यूज किए गए हैं इस आर्टिकल में, उनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला टर्म है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड दूसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ फ्री नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर और अदर लिक्विड्स। ठीक है, कि किसी भी वाटर बॉडी में या वाटर में कितना फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बोला जाता है। एंड इसका अगर ये बहुत ज्यादा, बहुत कम या बहुत ज्यादा, दोनों ही नुकसानदायक है एंड इट इंपैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड एक्वेटिक लाइफ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को कंपोज करने के लिए या ब्रेक डाउन, डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए कितने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जरूरत है उसको बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी कितना साफ है या गंदा है उसको मेजर करने के लिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज किया जाता है। एंड ध्यान रखेंगे हम लोग कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इफेक्टिव है या नहीं उसके लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर की जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इन सारे मिशंस, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गंगा रिवर सिस्टम एज वेल एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में इस एक आर्टिकल से। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू एलिफेंट्स एंड असम में एक स्टडी में ये पाया गया कि अराउंड 320 एलिफेंट्स हैव बीन लीज्ड बाय असम टू अदर स्टेट्स एंड मेनी ऑफ देम हैव नॉट रिटर्न। तो लीज का मतलब होता है कि आपने थोड़े टाइम के लिए दिया है फिर वो चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी, लेकिन 320 एलिफेंट्स वर गिवन टू अदर स्टेट्स विच हैव नॉट बीन रिटर्न या उनका पता नहीं है, दे आर अनट्रेसेबल। यहां पर जो एक एक्ट मेंशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो ध्यान रखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्शन दी गई है। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इसके अलावा इसमें 6 शेड्यूल हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी विल स्टडी अबाउट देम। कि शेड्यूल 1 एंड 2 में क्या है? शेड्यूल 1 एंड 2 प्रोवाइड्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंड ऑफेंसेस अंडर दीज आर प्रिस्क्राइब्ड हाईएस्ट पेनल्टीज। तो उसमें जो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को रखा गया है उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन है एंड अगर आप उनको डैमेज करते हैं या उनको कोई नुकसान पहुंचाते हैं देन यू वुड बी अवार्डेड हाई पेनल्टी। अंडर शेड्यूल 3 एंड 4 पेनल्टीज आर लोअर। ठीक है, कि वो जो सजा दी जाएगी वो थोड़ी कम है। शेड्यूल 5 में जो एनिमल्स मेंशनड हैं दे कुड बी हंटेड। सो रिमेंबर ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि एक्ट जो है प्रोटेक्शन के लिए बना है बट देर आर सर्टन एनिमल्स विच कुड बी हंटेड विच आर मेंशनड इन शेड्यूल 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। एंड शेड्यूल 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विथ एंडेमिक प्लांट्स विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन। ठीक है, तो शेड्यूल 5 याद रखिएगा आप लोग, ऐसे एनिमल्स मेंशनड है विच कुड बी हंटेड। शेड्यूल 6 ध्यान रखिएगा, इट डील्स विद एंडेमिक प्लांट्स विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज एंड यहां पर जो हमारा पहला एडिटोरियल है दैट इज रिलेटेड टू कोटा पॉलिटिक्स। एंड यहां पर ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया उसका बैकग्राउंड है कि योगी आदित्यनाथ की जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने 17 ओबीसी कास्ट को जो है वो डायरेक्ट किया कि दे शुड बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट एंड जो ऑफिशियल्स हैं दे शुड इशू द कास्ट सर्टिफिकेट टू देम। अब इसको लेकर के बड़ा मुद्दा क्यों बना? सबसे पहला मुद्दा इसलिए बना बिकॉज यूनियन पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इंक्लूड एनी कास्ट अंडर द शेड्यूल कास्ट लिस्ट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 341
पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो किस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट में रखा जाएगा या किसको नहीं रखा जाएगा ये डिसाइड करने का। तो यहां पर सबसे पहला अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का ये हाईलाइटेड होता है। दूसरा जो यहां पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है कास्ट पॉलिटिक्स, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वोट बैंक जो क्योंकि अभी उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो इन सारी कम्युनिटीज को अपने फेवर में लाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, इससे पहले की जो अखिलेश गवर्नमेंट थी दे हैव ऑल्सो डन द सेम थिंग, एंड उससे पहले जो मायावती गवर्नमेंट थी दे हैव ऑल्सो ट्राइड द सिमिलर थिंग। ठीक है, तो ये कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। एंड रिमेंबर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर शेड्यूल कास्ट में किस शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है एससी लिस्ट है उसमें किस कास्ट को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसकी जो एक्सक्लूसिव पावर है दैट लाइज विद द पार्लियामेंट। ठीक, तो ये हम लोग यूपीएससी के हिसाब से ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो आज का लीड आर्टिकल है डेट इज ऑन द कांग्रेस, तो वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस में कौन रिजाइन कर रहा है या कौन प्रेसिडेंट बनाया जाए, कैसे कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता है, वो कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम है, दे कैन डील विद इट। यहाँ पर एक जो फैक्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड वो मेंशनड है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि इन 1923 कांग्रेस स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म। ठीक है भाई, किसने बनाया था, सी आर दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू। एंड कांग्रेस स्वराज पार्टी ने डिसाइड किया था कि दे विल फाइट द 1923 इलेक्शंस, एंड इसके अलावा वो दे विल एंटर द असेंबलीज एंड द सेंट्रल पार्लियामेंट एंड विल नॉट अलाउ दीज असेंबलीज एंड पार्लियामेंट टू फंक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर कांग्रेस स्वराज पार्टी के बारे में, किसने बनाया था 1923 में, देशबंधु चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, इसके बाद जो हमारा दूसरा आर्टिकल है डेट इज ऑन इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक क्यों इंपॉर्टेंट हो, क्यों आर्टिकल लिखा गया है, बिकॉज आशियान लीडर्स की जो मीटिंग हुई थी देयर दे हैव एग्रीड ऑन अ विजन फॉर द इंडो पैसिफिक। जो उनका एग्रीमेंट हुआ है, दे हैव सेड दैट कि वी विल नॉट फोकस, वी विल नॉट अलाउ इंडो पैसिफिक और द साउथ चाइना सी और द रीजन अराउंड द आशियान टू बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर यूएस एंड चाइना। तो यूएस एंड चाइना का बैटल ग्राउंड नहीं बनने देंगे, रेदर वी विल फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक कॉपरेशन। ठीक है, तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, इसको लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। एंड इसके अलावा ये बोला गया है कि इंडिया हैज डन द राइट थिंग बाय फोकसिंग ऑन द इंडो पैसिफिक। तो इंडिया ने सही किया है कि इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने में भी एक सेपरेट विंग बनाई गई है टू डील विथ इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि ये कौन सा रीजन है। इट इज़ अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन एंड इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। एंड ये जो इंडो पैसिफिक जो है वो टर्म पहली बार यूज किया गया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे द्वारा, ही यूज इन द इंडियन सॉइल इन 2007। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रेड भी इंडो पैसिफिक रीजन से फ्लो करता है, एज वेल एज मेनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक ग्रुप। तो इसके कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड हम लोग ध्यान रखेंगे जीएस टू में पूछा जा सकता है कि इंडो पैसिफिक का क्या इंपॉर्टेंस है या इसको क्यों इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। सो वी कैन राइट कि इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अमाउंट ऑफ ट्रेड विच पासेस थ्रू इट, एज वेल एज जो कंट्रीज लोकेटेड है दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा जो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बीच में टसल चल रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, डेट इज ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इंडो पैसिफिक के बारे में। इसके बाद जो हमारा दूसरा एडिटोरियल था आज का, डेट वाज ऑन द क्रिकेट वर्ल्ड कप विच इज बीइंग हेल्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स, एंड वहां पे जो चार फाइनल सेमीफाइनल की टीम पहुंची है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, उनके स्ट्रेंथ एंड उनका जो अभी तक का कैंपेन रहा है उसको लेकर के एडिटोरियल लिखा गया था। डेट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू द ऑपेड पेज, एंड यहां पर जो हमारा आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू फिस्कल डेफिसिट। और यहां पर जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है ऑथर का कि गवर्नमेंट को उतना ज्यादा एकदम कंजर्वेटिव नहीं हो जाना चाहिए कि हमको इसी टारगेट पे पहुंचना है फिस्कल डेफिसिट के। ठीक है, तो अब फिस्कल डेफिसिट समझ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट की टोटल अर्निंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। एंड फिस्कल डेफिसिट से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कितना लोन या कितना उधार ले रखा है। अब इसको लेकर के न्यूज़ क्यों बन रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका मानना है कि गवर्नमेंट को फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इकोनॉमिस्ट हैं हु सेज कि गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सेसिवली फोकस्ड ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन। एंड क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग अ स्लो डाउन।
जब स्लो डाउन होता है देन इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू रिवाइव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू रिवाइव स्पेंडिंग. तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है. एंड अगर आप फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस करेंगे तो फिर पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे. तो उसको लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है कि वहां पर गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट पे ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी को रिवाइव कराना. दूसरा जो पॉइंट यहां पे ऑथर ने हाईलाइट किया है वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट किसी एक नंबर पे लाने से अच्छा है कि आप एक रेंज बना लीजिए. ये टारगेट नहीं होना चाहिए, जैसे अभी जो गवर्नमेंट का टारगेट है दैट इज टू हैव अ फिस्कल डेफिसिट अराउंड 3% बाय 2021, ठीक है. तो 2021 तक फिस्कल डेफिसिट कितना करना है, टारगेट है 3%. लेकिन ऑथर का कहना है कि आप 3% से अच्छा एक रेंज बना लीजिए, 2-4% या 3-5%, जिससे कि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है सो गवर्नमेंट विल हैव अ लीवे टू इन्वेस्ट मोर. गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट कर सकती है एंड अपना खर्चा कर सकती है. एंड अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है देन गवर्नमेंट कैन गो फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन. तो ये एक इशू यहां पर हाईलाइट किया गया है. इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 12 पर. यहां पर एक न्यूज है विच इज रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक बिल. एंड इस बिल का जो ऑफिशियल नाम है वो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019. एंड ट्रिपल तलाक क्या होता है, वो मतलब तीन बार तलाक बोल करके जो प्रथा है तलाक देने की, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल तलाक. एंड अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है इस बिल के अंदर, दे हैव डिक्लेयर्ड इट एज इलीगल कि अ मुस्लिम मैन कैन नॉट डिवोर्स हिज वाइफ बाय अटरिंग द वर्ड तलाक. एंड इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है देन ही विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ जेल टर्म ऑफ 3 years फॉर वायलेशन, ठीक है. तो अब इसी एक प्रोविजन को लेकर के बहुत ज्यादा इशू बनाया जा रहा है. बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हु सेज कि जेल नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैरिज इज अ सिविल मैटर एंड यू कैन नॉट प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल पनिशमेंट. आप उसके जरिए उसका जो कंपनसेशन है वो डिसाइड करवा सकते हैं, आप उसको सिविल पनिशमेंट दे सकते हैं, बट फॉर सिविल मैटर्स यू कैन नॉट प्रोवाइड क्रिमिनल पनिशमेंट्स, ठीक. तो उसको लेकर के इशू चल रहा है एंड द बिल इज नाउ टेबल्ड इन द राज्यसभा एंड टुडे इट विल बी डिस्कस्ड एंड वी विल सी वेदर इट इज बीइंग पास्ड और नॉट, ठीक. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रिपल तलाक बिल के बारे में. इसके अलावा यहाँ पर वन डे टाइप एग्जाम्स के लिए एक न्यूज़ है, अ बुक ऑन अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी विच हैज़ बीन रिटन बाय अनिर्बन गांगुली एंड शिवानंद द्विवेदी. तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसके बारे में. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड. एंड इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड के ऊपर जो है वो असर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस ऑन ईरान. अब इसके ऊपर ईरान के सैंक्शंस के कारण इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड पे कैसे असर पड़ रहा है, वो ये है कि जो इंडिया का ट्रेड होता था विद अफगानिस्तान दैट वॉज बींग कैरिड आउट थ्रू चबहार पोर्ट. अब चबहार पोर्ट जो है वो ईरान में लोकेटेड है एंड उसको हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ गिवन इंडिया वेवर फ्रॉम सैंक्शंस रिलेटेड टू चबहार पोर्ट, बट उस पोर्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट करना है या जो उसके कंटेनर्स हैं उस पर इन्वेस्ट करने के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं है, जिसके कारण से जो इंडिया अफगानिस्तान का ट्रेड है डेट इज बीइंग इंपैक्टेड. इसके अलावा यहां पर एक और फैक्ट हाईलाइट किया गया है कि जो बजटरी एलोकेशन था चबहार पोर्ट के लिए डेट हैज बीन रिड्यूस बाय 1/3. तो पहले 145 करोड़ रुपीज दिए जाते थे, नाउ इट हैज बीन कम डाउन टू 45 करोड़, ठीक है. तो उस जो यूनाइटेड स्टेट के सैंक्शंस हैं उसका असर दिख रहा है. रिमेंबर चबहार पोर्ट इज इन ईरान एंड इसको इंडिया क्यों डेवलप कर रहा था, फॉर डेवलपिंग इट्स ट्रेड विथ अफगानिस्तान एज वेल एज इट्स ट्रेड विथ सेंट्रल एशिया, ठीक. तो उसको लेकर के चबहार पोर्ट डेवलप किया जा रहा था. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड यहां पर जो न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. एंड इस आर्टिकल को लिखने के पीछे का रीजन था कि जो डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है उसका हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बनाया गया है. अब बहुत सारे जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं एज वेल एज मेनी अदर पर्संस आर सेइंग कि इसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर होता है एंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स को यूजली एक टारगेट दिया जाता है टू कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज. तो अगर उसी को आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का हेड बना दोगे तो ऐसा होगा कि वो क्लियरेंस ज्यादा तेजी से देंगे, इसके कारण एनवायरमेंट के ऊपर जो है वो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं या एनवायरमेंटल एक्सपर्टीज नहीं होती है, इसको लेकर के भी बोला जा रहा है, ठीक है, कि उसको नहीं बनाना चाहिए. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड नॉट बी मेड हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी. अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. So it is an management tool for ensuring optimal use of natural resources for sustainable development. ठीक है, तो जो भी बड़े projects लगाए जाते हैं जिनके कारण की environment के ऊपर impact हो सकता है या लोगों को displace करना पड़ सकता है या लोगों के
लाइवलीहुड के ऊपर असर पड़ सकता है, तो उन प्रोजेक्ट्स को लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाया जाता है। एंड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 50 करोड़ से ज्यादा है दैट हैज टू गो अंडर द मैंडेटरी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है। यहां पर डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जरूरत है या नहीं है। फिर उसके बाद स्कोपिंग की जाती है कि कौन कौन से इश्यूज को कंसीडर करना है। देन देयर इज इंपैक्ट प्रेडिक्शन कि इसके कारण क्या क्या इंपैक्ट होगा, डायरेक्ट इंपैक्ट क्या क्या होंगे या प्राइमरी इंपैक्ट उनको बोला जाता है। दूसरा सेकेंडरी इंपैक्ट्स देखे जाते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट्स देखे जाते हैं, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल इंपैक्ट्स देखे जाते हैं। एंड इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दो तरह के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो सकते हैं, रैपिड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो कि एक सीजन के लिए किया जाता है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट विच इज डन फॉर 4 seasons। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और यहां पर न्यूज जो है वो ट्रेन 18 से रिलेटेड है। ट्रेन 18 इज वॉज बिल्ट बाई इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, एंड अभी उसका प्रोडक्शन रोक दिया गया है बिकॉज ऑफ टसल बिटवीन द टू डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे एंड इंजीनियर्स के बीच में। उसके कारण जो टसल चल रही है उसके कारण ट्रेन 18 का जो मैन्युफैक्चर है वो रोक दिया गया है। ट्रेन 18 वॉज ऑल्सो नोन एज वंदे भारत एक्सप्रेस एंड इट वॉज लॉन्च बिटवीन दिल्ली एंड वाराणसी एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो हाईएस्ट स्पीड वाली ट्रेन थी डैट इज ट्रेन 18, एंड इसको किसने बनाया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, बिजनेस पेज, एंड यहाँ पर जो हमारा न्यूज़ है डेट इज रिलेटेड टू डेट इज एन एनालिसिस ऑफ द बजट विच इज डन बाई वेरियस चीफ्स ऑफ द अदर कंपनीज। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन हैं उन्होंने इस बजट को कैसे देखा एंड उस बजट में उनको क्या अच्छाई लगी और क्या बुराई लगी, उसको इस पूरे पेज में हाईलाइट किया गया है। तो जो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है उनका कहना है कि दिस बजट इज हाई ऑन इंटेंट बट लो ऑन कमिटमेंट। तो इंटेंशन तो अच्छा है गवर्नमेंट का, ठीक है, कि $5 trillion इकोनॉमी बनाएंगे एंड इसका क्या क्या इसको उन्होंने डायरेक्शनल बजट बोला है कि जिसमें डायरेक्शन ज्यादा दी जा रही है एंड कैसे किया जाएगा उसको लेकर के कम बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे जो यहाँ पर तीनों के तीनों जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने लिखा है कि बैंकिंग के ऊपर फोकस करके गवर्नमेंट ने सही किया है, बैंकिंग सेक्टर को रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो 70,000 करोड़ दिए गए हैं डेट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इसके कारण इकोनॉमी को क्रेडिट बूस्ट मिलेगा एंड इकोनॉमी विल बी रिवाइव्ड। इसके अलावा जो वहाँ पे दूसरा उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो कॉरपोरेट मार्केट को डीपन करने की बात की गई है वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो कॉरपोरेट मार्केट के जरिए अपना लोन लेंगी तो इसके कारण बैंक्स के ऊपर कम दबाव बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अफोर्डेबल हाउसिंग का टारगेट रखा गया है बाई 2022 एज वेल एज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया है उसको लेकर के भी सारे लोगों ने हाईलाइट प्रेस किया है गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है कि एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए, फार्मर्स की जो इनकम है वो वैल्यू एडिशन के जरिए कैसे डबल की जाए उसको लेकर के प्रेस किया गया है। एंड यहाँ पर जो एक नेगेटिव पॉइंट बताया गया है वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कितना फिस्कल फायदा दिया जाएगा या किस तरह से फिस्कल इंसेंटिव दिया जाएगा डेट हैज़ नॉट बीन क्लियरली मेंशन। ठीक, तो ये इस पूरे के पूरे पेज में इन सारे के सारे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया था। ये डैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड, नाउ वी कैन सी द आंसर फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी दीवाने मुश्तक राज, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी असम। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर ये इनके आंसर्स थे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। थैंक यू।